नमस्कार। तो आज आप हम राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्टॉक के ऊपर बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। आरसीएफ स्टॉक के अंदर फ्राइडे के दिन काफ़ी बढ़िया रिकवरी देखने को मिली। स्टॉक के अंदर 4% की तेज़ी बनती हुई दिखाई दी है। स्टॉक यहाँ से तेज़ी बनाता है, 200 के करीबन अगला रेजिस्टेंस लग सकता है आरसीएफ के लिए। क्योंकि स्टॉक के अंदर वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम काफ़ी डिम होने लगे। जब वॉल्यूम आए थे तब काफ़ी बढ़िया तेज़ी थी, पर जैसे ही वॉल्यूम तुरंत कम हो गए और नेगेटिव वॉल्यूम्स आए तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और रिसेंटली सेलिंग प्रेशर के अंदर दिखने को मिल रहा है। यहाँ से पुल बैक आता है तो स्टॉक 200 के करीबन यहाँ पे रेजिस्टेंस लगेगा। यहाँ फ्राइडे के दिन अच्छा पुल बैक आया पर वॉल्यूम इतने खास नज़र नहीं आ रहे। जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टॉक के अंदर मोमेंटम के अंदर वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम वीक होंगे तो मोमेंटम वीक और बेरिश देखने को मिलते हैं, पर अगर वॉल्यूम अच्छे आते हैं तो स्टॉक में काफ़ी बढ़िया मूव हो जाती है। न्यूज़ की तरफ भी नज़र डालोगे तो रिसेंटली कोई इम्पैक्टफुल न्यूज़ नज़र नहीं आ रही रिगार्डिंग राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर स्टॉक, पर यहाँ पे आप देख सकते कि स्टॉक 200 लेवल के करीबन रेजिस्टेंस ले सकता है अगला।